दुरानी नाग स्टेज के मारूफ अदाकार जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, शहर फैसलाबाद के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वालों की तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आपने इंतहाई मसरूफी में से वक्त निकाला है और हमारा जो वादा था पब्लिक के साथ वो वफा कर दिया। अल्लाह ताला इन पर रहमत करें, करम करें, इन पर इंतहाई मसरूफियत में से वक्त निकालकर अभी चिन्योट से आ रहे हैं। वहां भी गालिबन एक महफिल पाक में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की इन्होंने। अल्लाह ताला इस महफिल पाक के सदके, इस जिक्र मुस्तफा के सदके इन पर अपनी रहमतों का नजूल फरमाए। दोस्तों से इल्तिमास करूंगा कि डिसिप्लिन का जो है वो ख्याल करते हुए हमारे मेहमान हैं, कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे आप भी परेशान हो और दूसरे मेहमान भी हमारे परेशान हो। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर भी अता फरमाए और जब ठाकुर साहब नाथ पढ़ के जाएंगे तो आप बराए मेहरबानी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा, ठीक है। हम अहले फैसलाबाद ने इन्हें मोहब्बत के साथ नवाजना है, इस तरह नहीं करना वो याद करें कि फैसलाबाद गया था और मेरे साथ ये कुछ हुआ था, ऐसे ना हो। अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। इस शेर के साथ ठाकुर साहब को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि या खुदा हो फिजा मदीने की, या खुदा हो फिजा मदीने की, मांगो मांगो दुआ मदीने की, और गम के मारो तुम्हें मुबारक हो, गम के मारो तुम्हें मुबारक हो, चल पड़ी है हवा मदीने की, चल पड़ी है हवा मदीने की। अब इला तखीर हमारे मेहमान सना खान जो खास तौर पर तशरीफ लाए हैं, इल्तमास करूंगा जनाब मोहतरम इफ्तिखार ठाकुर साहब तशरीफ लाएं और बहाजूर सरवर कोनैन हदीन आप फरमाएं। अभी चिन्योर से तशरीफ ला रहे हैं, अभी इन्होंने मियां जुल्लू पहुंचना है। اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحده أداء بسم الله الرحمن الرحيم। प्यारे दोस्तों भाइयों अजीजों, मैं बाकायदा कोई सना खान तो नहीं हूं लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हाजरी के लिए हाजिर हुआ हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में तशरीफ लाए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो जो कुछ भी उस वक्त हुआ वो सब का सब मौजज़ा ही था, बेपनाह मौजज़े हुए। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त पैदाइश है, जमीन से लेकर आसमान तक इतना नूर था कि सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए, और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब के सब लड़के थे, और ईरान के अंदर आतशकदा जो सदियों से जल रहा था अल्लाह के हुक्म से बुझ गया, और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत थे जो घुटनों के बल नीचे आ गए। ये सरकार की आमद है, पर आज वो वक्त है कि सरकार दो आलम की आमद है, पूरी कायनात के फरिश्ते इस वक्त मदीने में उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। तो हाजिरी ऐसी हो जाए कि हम सब जो यहां मौजूद हैं और पूरी इस दुनिया में जहां जहां मोमिन मुसलमान मौजूद है उसकी हाजिरी मदीने में हो जाए कि हम सब लोग वहीं मौजूद हैं। या मोहम्मद मोहम्मद कहो तुम सभी पढ़ो सल्ले अला,
حبیب یا محمد محمد کہو تم سبھی پڑھو صلی علی یا نبی عمر فاروق صدیق ہیں پیارے تیرے عثمان اور علی ہیں ستارے تیرے ان کے دم سے بھی جگ میں ہے روشنی پڑھو صلی علی یا نبی تیرے در سے سبھی کو بڑی آس ہے آب کوثر کی سب کو بڑی پیاس ہے آپ کے سب دیوانے تو سچا نبی پڑھو صلی علی یا نبی یا محمد محمد کہو تم سبھی پڑھو صلی علی یا نبی تیرے در سے سبھی کو بڑی آس ہے آب کوثر کی سب کو بڑی پیاس ہے آپ کے سب دیوانے تو سچا نبی پڑھو صلی علی یا نبی افتخار کے دل کی ہے ایک صدا کہ مدینے میں جاؤں یا مصطفیٰ آپ نے سب کی خالی ہے جھولی بھری پڑھو صلی علی یا نبی یا محمد محمد کہو تم سبھی پڑھو صلی علی یا نبی الحمدللہ چار مرتبہ زندگی میں مجھے اللہ پاک نے موقع دیا ہے، عمرہ کیا ہے، پھر تین حج کیے ہیں، بیت اللہ کی زیارت اور پھر مسجد نبوی کے اندر جانا۔ یہ کچھ اشعار میں نے خود لکھے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، لیکن اس وقت جو مسجد نبوی کی فضاؤں میں ہو رہا ہے، سوچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں اپنی زندگی میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، اور ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے